अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है हेल्दी और टेस्टी नाश्ता, वेजिटेबल पोहा। तो इसे बनाने के लिए 2 कप हमने पोहा लिया और सब्जियों में प्याज, आलू, गाजर, हरी मिर्च, मटर, शिमला मिर्च, स्प्रिंग अनियन और करी पत्ता लिया है। पहले हम पोहा धो लेंगे और पोहे को धोकर एक छलनी में डाल देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाए। पोहा बनाने के लिए कढ़ाई में हमने तेल को गर्म कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून राई और जीरा और प्याज के साथ ही डालेंगे हम ये आलू। आलू और प्याज को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। प्याज अब थोड़ी सी फ्राई हो जाए और आलू थोड़े से गल जाए तो इसमें हम डालेंगे गाजर, मटर, हरी मिर्च और ये शिमला मिर्च भी डाल देंगे, करी पत्ता भी डाल देंगे। ये सारी सब्जियों को थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। आलू जब अच्छे से गल जाए और ये सारी सब्जियां भी थोड़ी सी गल जाए तो इसमें हम डालेंगे ये स्प्रिंग अनियन, 2 टीस्पून हल्दी पाउडर, अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून सौंफ का पाउडर। पोहे में हल्की सी मिठास लाने के लिए डालेंगे हम इसमें 1 टीस्पून चीनी। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे पोहा। तो पोहे को हमने पहले ही धो के रखा था। 1/2 टीस्पून डाल देंगे नींबू का रस और ये सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद में इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। गैस को करेंगे बिल्कुल मध्यम और इसे हम ढक कर 1 से 2 मिनट पका लेंगे। 1 से 2 मिनट ढक कर पकाने के बाद में वेजिटेबल पोहा बनकर तैयार है। गैस को करेंगे बंद और इसे करेंगे मिक्स और कर लेंगे डिश आउट। चलिए तो पोहे को हम कर लेते हैं डिश आउट। ये देखिए बहुत ही मजे का ये पोहा बनकर तैयार है, बहुत ही हेल्दी क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी सब्जियां मिलाई है। जब आप इसे सर्व करें तो ऊपर से थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज और हरा धनिया इस तरह डालें और फिर आप इसे सर्व करें। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।